टायर्स को बाद में देखेंगे, मैं रिम देख रहा हूँ। रबू कह रहे हैं क्यों देख रहे हो, लेकिन मुझे अच्छे लगे हैं रिम्स, अच्छे रिम्स आई वाले। हमने अपनी गाड़ी के फर्स्ट टायर चेंज कराए थे ना, हम लोग का स्टार्ट में बताया था कि हम लोग घर का टोकन शोकन देने के लिए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो व्लॉग को करते हैं जी स्टार्ट। मैं बनाऊं क्या लेना? आपकी गाड़ी का टायर ही पंचर हो जाता है? हम जा कहाँ रहे हैं? लिया नहीं है अभी, बताएं ज़रा। भूख आपको फौरन लग जाती है? नाश्ता किया है सुबह का टाइम बताओ। 4:30 हो रहे हैं शायद, बल्कि नहीं 4 बजे, 4 बज रहे हैं तकरीबन। 1-1.5 घंटा हो गया पहले टायर निकाला है, पंचर लगा दिया फिर। दिखाते हैं आपको जाके टायर दोबारा जी। हमने सामान सामान ले लिया है, अब इधर से उधर जाना है और चलो चलो चलो। और उधर से फ़ोन भी आ गया कि गाड़ी के टायर से लग गए हैं। और जी दही भले, दही भले और रुकी हुआ है वो सामने जी अपनी ज्वेला खड़ी हुई है। अगर आपने इसका इंस्टाग्राम पे पेज फॉलो नहीं किया तो जाएं और जाके फॉलो करें, फिर लिंक मिल जाएगा। एक जी ये वाला टायर था पंचर, और एक हुआ था ये वाला, दोनों टायर पंचर हो गए थे। और जो ये उस साइड वाला टायर है ना, वो इससे 1-2 दिन पहले भी पंचर हुआ था। तो टायर की जो लाइफ है वो पूरी हो गई, अब इंशाल्लाह इनको जल्दी से जल्दी चेंज करा लेंगे। और ये दोनों का पंचर लग गया, अब चलते हैं आगे। जैसे कि आपको ब्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि हम लोग घर का टोकन शोकन देने के लिए जा रहे हैं, तो अलहमदिल्ला सारा जो पेपर वर्क वगैरह होता है वो कंप्लीट हो चुका है और घर अब हमारा है। तो मैं आपको उसका टूर वगैरह दिखाता हूँ और देख पूरा आपको घर का जो पोर्शन है हमारे पास वो आपको विजिट करवाता हूँ। तो देखिए एक रूम हमारे पास ये है, अच्छा बड़े साइज का रूम है। और उसके बाद इसका ये वॉशरूम देखें, ये इसका वॉशरूम, कबर्ड्स वगैरह सारी। और दूसरा बेड ये है, ये मैं और फैज़ भाई लेंगे, इसकी भी कबर्ड्स देख लें। और ये इसका वॉशरूम है, ये वाला बेड लेंगे जी मैं और फैज़ भाई अपने लिए। ये जिसका लॉन्ड्री एरिया वगैरह सारा। और मास्टर बेडरूम है ये वाला, कबर्ड सब जैसी है, वॉशरूम भी सबसे ज़्यादा बड़ा इसका। और घर के बिल्कुल सामने है जी पार्क और मस्जिद। किचन में आपको दिखाता हूँ, ये लिविंग एरिया किचन है। और किचन के साथ है जी वेंटिलेशन के लिए टेरेस वगैरह। और ये है लिविंग रूम। 2000 years later. जिस तरह के आप लोगों ने इस व्लॉग का फर्स्ट मतलब हाफ देख लिया होगा, तो व्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। आपने देखा था कि हम लोगों ने पीछे भी गाड़ी के टायर का पंचर लगवाया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं आपको टायर की कंडीशन दिखाता हूँ। और आज वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अभी मार्केट जाने लगे हैं विट्स के अपने न्यू टायर्स का कुछ करते हैं। सो चलते हैं जी मार्केट, लेकिन पहले मैं आपको टायर की कंडीशन दिखाता हूँ। उसने 2000 rupees लिए थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि टायर के साथ क्या हुआ है। ये रखी हुई है स्टेपनी जो चेंज करनी है, ये वाली स्टेपनी इसमें लगाते हैं, ये रहा सारा सामान, फिर जाके इसके टायर्स का जो है ना कुछ करते हैं। क्या हालत हुई है टायर की? भाई इससे भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जी टायर जो है सारे पत्थर हो गए, अब देखते हैं कौन सा टायर लेना है। टायर्स को बाद में देखेंगे, मैं रिम देख रहा हूँ। रबू कह रहे हैं क्यों देख रहे हो, लेकिन मुझे अच्छे लगे हैं रिम्स, अच्छे रिम्स आई वाले। इंशाल्लाह जब गाड़ी का कुछ तैयार शेयर कराएंगे तब रिम्स ये वाले मुझे अच्छे लगे। देखिए 50,000 के सारे, वो कह रहे हैं जी चारों टायर मिलेंगे। अभी कॉल आ रही है, मैं आपको बाद में बात करता हूँ। ये चारों टायर ले लिए हैं, ये वाले लिए हैं चारों, और
ये अब फिक्स होंगे और दो दिन बाद इनकी अलाइनमेंट होगी। शुक्र है जी मिल गए हैं टायर, जो फर्स्ट शॉप से लिए इनके साथ बड़ा पुराना हमारा है तो ये वाला टायर हुए हैं फाइनल। जिनसे हमने अपनी गाड़ी के फर्स्ट टायर चेंज कराए थे ना उनसे लिए दोबारा से, अब उधर ही चेंज हो रहे हैं देखते हैं। सर रबड़ लगवा ले फटे हुए हैं वेपरों के, शील्ड भी सही हो जाएगी निकली हुई है बम्पर से बाइक। यार आपको मैं कह रहा हूँ नहीं कुछ लगवाना, इस तरह तंग ना करो। वाइपर अगर लगवाए तो फिर सिलिकॉन वाले लगवा लिया मैंने साइकिल मोटर से, सिर्फ रबड़ लगने हैं वाइपर आपके जन्मन है। यार इस तरह ना करो यार प्लीज। नहीं जी एक खुल के वो जा रहा है, शुक्र है मौसम अच्छा है नहीं तो इधर खड़ा भी नहीं हुआ जाना था। लॉक खोलो फैज भाई, ये लगी हुई स्टेपनी, इसको सेंट्रो की लगा के लाया था मैं, ये लगी। और टायर की कंडीशन में आपको दिखाता हूँ जो उस दिन हुआ टायर की, ये देखिए ये सारा खराब हो गई है बगैर शूज के, और आओ जो चले वो टायर। यार वो बोर्ड उधर ही रहे कोई मसला नहीं,